देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित पूंजी लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास ईपीई जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडूला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा। यह यूपी सरकार को ट्रॉनिका सिटी और मंडोला विहार डेवलपमेंट की लाइफलाइन साबित होगा। दूसरे सेक्शन में ईपीई क्रॉसिंग के बाद यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड मार्ग होगा, जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा अनुभव देने का वादा करता है, जैसे कि क्लोज टूर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों से पूरे हाईवे की निगरानी, प्रति 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के किनारे अत्याधुनिक जन सुविधाएं बनाई जाएंगी। तीसरे सेक्शन के अंतर्गत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के 40 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य, जैसे कि अतिरिक्त अंडरपास व अतिरिक्त सर्विस रोड पूर्ण किए जाएंगे। चौथा व आखिरी सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है, साथ ही दुर्घटनाओं के लिहाज से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है। सड़क की कम चौड़ाई, तीव्र मोड़ और सही पुल संरचनाओं की कमी के कारण पीक आवर्स तथा शनिवार और रविवार के दौरान यात्रियों को, जो ज्यादातर पर्यटक होते हैं, कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का लगभग 6 किलोमीटर का भाग मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड रोड और टनल के रूप में बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड और अंडरपास की पर्याप्त संख्या जानवरों की बेरोकटोक आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। मौजूदा हाईवे वर्तमान में डांट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवागमन विभाजित रहे। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 4 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, जिसका ज्यादातर भाग सामान्य भूमिगत से ऊंचा रहेगा ताकि अंडरपास के द्वारा वन्य जीवों का आवागमन बना रहे। 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण समर्थन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वन एवं वन्य जीव प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मार्च 2021 तक कार्य अवार्ड और 2 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय, जो वर्तमान में औसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा, रोजगार देगा, इसके साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को एक नई दिशा प्रदान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होकर और कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।